बुक्स का लाइव विड्रा क्लेम करने का प्रोसेस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था और लाइव क्लेम करके भी बताया था, लेकिन काफ़ी दोस्तों के कुछ क्वेश्चन थे। उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है, क्योंकि हर बंदे ने मल्टीपल डॉग्स के अकाउंट वगैरह क्रिएट किए थे और वो चाहते हैं कि हम जो है ना इसका विड्रा अब एक ही एक्सचेंज से ले सकते हैं, एक ही वॉलेट के थ्रू ले सकते हैं, या फिर हमें मल्टीपल वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा, क्या इसका प्रोसीजर है। उसके अलावा जैसे ही हम किसी एक्सचेंज के ऊपर विड्रा के लिए अप्लाई करते हैं और अपना जो कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह पुट करते हैं डॉग्स का, तो वहाँ पर किसी पर हमें टैग्स का ऑप्शन आता है, किसी का मेमो का ऑप्शन आता है, किसी का कमेंट का ऑप्शन आता है। ये क्या चीज़ है और काफ़ी लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, ठीक है ना। तो लाइव आज इसके ऊपर भी कंप्लीट ए टू जेड बताऊंगा। तो रात मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी बहुत जल्दी में और काफ़ी सारे स्टेप मिस कर दिए थे और आज वो सारे कवर करने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो के एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आपने इससे तो लास्ट में से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बाइनांस की और भी जो भी क्रिप्टो लूट्स वगैरह आती हैं वो सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मिलेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एक बार लास्ट में से ज्वाइन करके चेक कीजिएगा, यहाँ पर आपका किसी किस्म का टाइम वेस्ट या फिर फेक चीज़ अपलोड नहीं की जाती, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आपने यहाँ पर विड्रा कैसे लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैंने पोस्ट इनकी शेयर की थी कि आप जो है ना इसका विड्रा जो है ना वो आपने अभी क्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपके वॉलेट के अंदर या एक्सचेंज के अंदर जो है ना वो 20 अगस्त को ही शो होगा, फिर अभी आपके पास किसी किस्म का कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका 20 अगस्त को ही शो होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल डॉग्स की तरफ से आया है और आपके पास जो है ना वो तीन वॉलेट होने चाहिए, एक तो टेलीग्राम का वॉलेट, उसके ऊपर भी आपको KYC करने पड़ते हैं, OKX एक्सचेंज, उसके बाद बाईबिट एक्सचेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन है कि OKX एक्सचेंज के ऊपर तो हमें जो है ना वो कमेंट का ऑप्शन आता है और बाईबिट के ऊपर हमें मीमो का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है, ये अलग अलग है, सेम है, क्या है। और उसके बाद अगर हमारे मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो हमने अभी विड्रा लेना है या फिर बाद में। अगर आपने अभी लेना है तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपने मल्टीपल जो है ना वो अकाउंट बनाने होंगे, यानी कि एक्सचेंज मल्टीपल बनानी होंगी, उनके ऊपर KYC करनी होगी, ठीक है ना। OKX एक्सचेंज हो गया, बाईबिट हो गया, ठीक है ना। अगर आपके पास तीन अकाउंट हैं डॉग्स के तो आपके पास ये तीन होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी मेरी ऑडियंस है जिसके 30-30, 50-50 अकाउंट हैं और उन्होंने सब के ऊपर डॉग्स की माइनिंग वगैरह की हुई है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम इसका विड्रा कैसे लें। तो यार उसके लिए आपको जो है ना वो वेट करना होगा, उसके लिए वेट कितना करना होगा, 20 अगस्त तक, ठीक है ना। तो जैसे 20 अगस्त को इसकी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी तो ये अलाउ करेंगे अपने कीपर वॉलेट के अंदर। तो टोन कीपर के अंदर किसी किस्म का कोई भी KYC करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप पैरेलल स्पेस एक ऐप है वो इंस्टॉल कर लें, उसमें आप मल्टीपल 30 अकाउंट हैं चाहे 50 वॉलेट बनाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल अकाउंट्स वहां पर बना सकते हैं, ठीक है ना। और आपने टोन कीपर से विड्रा कैसे लेना है और कनेक्ट कैसे करना है, ये 20 अगस्त को इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है कि ये जो है ना आप 20 अगस्त को ही मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आपके तो आप 20 अगस्त को ही विड्रा ले सकते हैं। अगर आपके 3-4 अकाउंट हैं तो आपने यही 3-4 वॉलेट बना लेने हैं, ठीक है ना। OKX वॉलेट, बाईबिट, OKX एक्सचेंज, बाईबिट एक्सचेंज और टेलीग्राम का ऑफिशियल वॉलेट, ठीक है ना। अब चलते हैं और आपको यहाँ पर लाइव जो है ना OKX एक्सचेंज के थ्रू जो है ना वो क्लेम करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर अपने टेलीग्राम के वॉलेट और जो है ना बाईबिट वॉलेट के थ्रू जो है ना वो लाइव एक्सचेंज करके भी दिखाया था। तो ये मेरे पास सेकंड डेमो अकाउंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ऊपर एक्सचेंज, उसके बाद नीचे वॉलेट। तो यहाँ पर एक्सचेंज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और शेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आ चुका है OKX वॉलेट, सेंड हेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यस आई हैव अ वॉलेट, ठीक है ना, मेरे पास वॉलेट है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मुझे जो है ना OKX की UID पुट करनी है, उसके बाद डॉग्स का डिपॉजिट एड्रेस, क्योंकि काफ़ी दोस्तों को ये एड्रेस ही नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, डॉग्स का डिपॉजिट एड्रेस, उसके बाद मेमो यानी कमेंट टैग, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है ना। किसी के ऊपर मेमो आता है, किसी के ऊपर कमेंट्स आता है, किसी के ऊपर टैग्स आता है, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है ना। तो वो आपने यहीं पर ही पुट करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना अपने OKX में चला जाता हूँ और वहाँ से जो है ना वो UID कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं अपने OKX एक्सचेंज के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है ना। आपने अब क्या करना है कि आपको यहाँ पर ऊपर जो है ना वो ये डार्ट्स वगैरह देखने को मिल रहे होंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी प्रोफाइल वगैरह जो है ना वो ओपन हो जाएगी और यहीं पर ही आपको UID जो है ना वो मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप
आपने यहाँ पर जो है ना वो अपने ईमेल होगी या फिर प्रोफाइल सेटिंग, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना और प्रोफाइल के अंदर चले जाना और यहाँ पर आपको ये वाली यूआईडी मिलेगी, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, बशर्ते ये कि आपने केवाईसी वगैरह की हो, ठीक है ना। अगर आपने केवाईसी वगैरह नहीं की तो ये केवाईसी वगैरह कर लें, क्योंकि अभी आपके पास 3-4 दिन पड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने यूआईडी पोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो है ना वो डॉग्स का वॉलेट एड्रेस, तो डॉग्स का वॉलेट एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, आपने अगेन जो है ना वो बाईबिट में सॉरी ओकेएक्स में चले जाना है और यहाँ पर आपने जो है ना नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एसेट का, ठीक है ना। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो आपने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर काफ़ी दोस्तों को ये एड्रेस ही नहीं मिलता, तो जैसे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करोगे नीचे आपको यहाँ पर जो ना ऑप्शन मिलेगा डिपॉजिट क्रिप्टो का, डिपॉजिट क्रिप्टो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे डिपॉजिट क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करोगे सर्च बार में आपने सर्च कर लेना है डॉग्स। जैसे सर्च करोगे थोड़ी सी लोडिंग के बाद आपके सामने जो है ना वो कुछ इस टाइप से जो है ना ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास डॉग्स टोन आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे अगेन थोड़ी सी लोडिंग होगी और ये आ चुका है, ठीक है ना। ये कमेंट आ चुका है, ठीक है ना, और ये एड्रेस आ चुका है, ये आपने पोर्ट करना है, ठीक है ना। ये मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और सबसे पहले ये मैं एड्रेस यहाँ पर पोर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ पर मीमो की जगह जो है ना यही कमेंट पोर्ट करना है, ठीक है ना। ये कमेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही ये तीनों चीज़ें आप पोर्ट करोगे, ये आपने वेरीफाई वगैरह कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक, और यहाँ पर अगेन वो कह रहा है कि आपने जो जो चीज़ें चूज की हैं वो ठीक ही हैं और ये आपने केवाईसी वगैरह भी कंप्लीट किया। तो मैंने कहा जी मैंने तो सारा कुछ किया हुआ है, तो ये मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो डिपॉजिट इज इन प्रोग्रेस, ठीक है ना। नो बी रेडी फॉर अ लिस्टिंग ऑन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 अगस्त, ठीक है ना। तो ये जो है ना हमारा सेंड आउट सक्सेसफुली हो चुका है और ये जैसे ही 20 अगस्त को ये लिस्ट होगा तो हमारे वॉलेट के अंदर शो हो जाएगा। उसके बाद आपने इंस्टेंट सेल कर लेना है विदाउट एनी फीस। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद ही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर चैनल करें सब्सक्राइब, ताकि मजीद आपके लिए ऐसा अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लेके आ सकें। थैंक यू।